इससे पिछले लेक्चर में हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक सीरीज को स्टडी किया। इस लेक्चर में हम उनके कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को स्टडी करेंगे। पहली एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर वन इज अ मैन रिपेयर्स हिज लॉन ऑफ आरएस 1120 बाय पेइंग रुपीज 15 इन द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड देन इंक्रीजेज द पेमेंट बाय रुपीज 10 एवरी मंथ। How long will it take to clear his loan? कि एक आदमी है जिसका लोन 1120 रुपए है और वो पहली इंस्टॉलमेंट 15 रुपए की देता है और उसके बाद हर मंथ उसमें 10 रुपए इजाफा करता है। हमने बताना है कि उसको कितना टाइम लगेगा ताकि वो इस लोन को वापस कर सके। हम इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सेंस में लेते हैं कि पहली इंस्टॉलमेंट जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की पहली टर्म होगी ए वन, वो है 15। देन उसके बाद वो हर मंथ उसमें 10 रुपए का इजाफा करता है जो कि हमारे पास होगा कॉमन डिफरेंस डी इज 10 और टोटल अमाउंट जो उसने रिपे करनी है वो है 1120। यानी कि अगर हम सम ऑफ सीरीज के सेंस में देखें तो जो एस एन है वो हमारे पास 1120 है। अब एस एन हमारे पास 1120 है और उसमें हमने एन फाइंड करना है। ए वन भी हमारे पास है, डी भी हमारे पास है, तो हमने एस एन का फॉर्मूला जो स्टडी किया वो था एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू इंटू 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब भी कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम होगा तो सबसे पहले हम उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ट्रांसफॉर्म करेंगे और उसके बाद फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। अब sn जो है वो हमारे पास दिया गया है 1120 इज इक्वल टू n, हमने फाइंड करना है n बाय 2 इंटू 2 इंटू ए वन की जगह पे हम पुट कर देंगे 15 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा एन बाय 2 इंटू 30 प्लस एन माइनस 1 इंटू 10 विच इज इक्वल टू, तो जब सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5n इंटू एन प्लस 2 इज इक्वल टू 1120 और n इंटू एन प्लस 2 इज इक्वल टू 224। 5 से दोनों साइड को डिवाइड कर दिया, इस n को अंदर मल्टीप्लाई कर दें और इस 224 को दूसरी साइड पे ले आए तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 224 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे किसी भी मेथड से सॉल्व कर लें, लड़के मैं इसको बाय कंप्लीटिंग स्केल सॉल्व कर लेता हूँ या बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व कर लेता हूँ तो आपके पास n की दो वैल्यूज आएंगी, n इज इक्वल टू 14 एंड n इज इक्वल टू -16। n की जो वैल्यू -16 तो हो नहीं सकती क्योंकि नंबर ऑफ मंथ्स जो हैं वो नेगेटिव नहीं हो सकेंगे, तो एन की जो वैल्यू 14 है वो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मंथ्स हैं तो उसको 14 मंथ्स लगेंगे ताकि वो अपने जो लोन है उसको वापस कर सके। एग्जांपल नंबर टू इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ रेडियो सेट्स प्रोड्यूस 625 यूनिट्स इन फोर्थ ईयर एंड 700 यूनिट्स इन सेवंथ ईयर। अज्यूमिंग प्रोडक्शन यूनिफॉर्मली इंक्रीजेस एवरी ईयर, फाइंड द प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर एंड द टोटल प्रोडक्शन इन 8 ईयर्स। एक हमारे पास रेडियो का मैन्युफैक्चरर है
जो कि चौथे साल में उसने 625 यूनिट्स बनाए हैं और सातवें साल में 700 यूनिट्स बनाए हैं। हमने उसके पहले साल के फाइंड करने हैं और टोटल 8 सालों में उसने कितने बनाए वो फाइंड करने हैं। अगर हम इस एग्जांपल को अरिथमेटिक सीक्वेंस की सेंस में देखें तो ये जो हमारे पास फोर्थ ईयर में जो प्रोडक्शन है 625 यूनिट्स, एक्चुअली अगर हम इसको देखें अरिथमेटिक सीक्वेंस के सेंस में तो ये हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस की फोर्थ टर्म होगी, यानी कि ए फोर इज इक्वल टू 625। और ये जो सेवन्थ ईयर में 700 यूनिट्स हैं ये हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस की सेवन्थ टर्म होगी, ए सेवन इज इक्वल टू 700। और हमने फाइंड करना है, एक तो ए वन फाइंड करना है और दूसरा एस एट फाइंड करना है, टोटल प्रोडक्शन इन एट ईयर्स। तो ये जो ए फोर है इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ए वन प्लस थ्री डी इज इक्वल टू 625। और ये जो ए सेवन है इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, ए वन प्लस सिक्स डी इज इक्वल टू 700। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर वन है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर टू है। इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करते हुए हम ए वन और डी को फाइंड करेंगे। तो इस इक्वेशन नंबर टू में से मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर वन, ए वन प्लस सिक्स डी इज इक्वल टू 700 माइनस ए वन प्लस थ्री डी इज इक्वल टू 625। ये a1 से कैंसिल हो जाएगा, 3d इज इक्वल टू ये आपके पास आ जाएगा 75 और d इज इक्वल टू 25। अब d हमने फाइंड कर लिया, यहां से हम a1 फाइंड करेंगे, किसी भी इक्वेशन से a1 हम फाइंड कर सकते हैं। मैं इस इक्वेशन नंबर वन से फाइंड कर लेता हूँ, ए वन प्लस थ्री डी इज इक्वल टू 625। तो डी की जगह पे 25 पुट कर देंगे तो हमारे पास ए वन आ जाएगा, ए वन प्लस थ्री इंटू 25 इज इक्वल टू 625 और ए वन इज इक्वल टू 625 माइनस 75 और ए वन इज इक्वल टू 550। सो 550 इज द प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर। अब हमने फाइंड करनी है टोटल प्रोडक्शन इन एट ईयर्स। टोटल प्रोडक्शन इन एट ईयर्स मीन अरिथमेटिक सीक्वेंसेस की सेंस में देखें तो हमने एस एट फाइंड करना है। एस एट फाइंड करने के लिए हम सम ऑफ सीरीज का फॉर्मूला यूज करेंगे, एस एन का एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन की जगह पे एट आ जाएगा, एट बाय टू टू इंटू ए वन की जगह पे 550 प्लस एट माइनस वन इंटू 25। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 इंटू 1100 प्लस 175 विच इज इक्वल टू 4 इंटू 1275 इज इक्वल टू 5100। सो 5100 इज द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन 8 ईयर्स। जब भी हमारे पास कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम आएगा अरिथमेटिक सीक्वेंसेस का तो सबसे पहले उसमें जो भी चीज़ें दी गई होंगी उनको हम अरिथमेटिक सीक्वेंसेस की सेंस में लिखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि हमने कौन सी चीज़ फाइंड करनी है। मिसाल के तौर पे इस एग्जांपल में अब हमें
प्रोडक्शन फोर्थ ईयर की और सेवन्थ ईयर की दी गई थी और हमने फर्स्ट ईयर की फाइंड करना थी। तो मैंने क्या किया कि जो प्रोडक्शन फोर्थ ईयर की थी उसको मैंने अरिथमेटिक सीक्वेंस की फोर्थ टर्म अज्यूम किया, जो प्रोडक्शन सेवन्थ ईयर की थी उसको सेवन्थ टर्म अज्यूम किया, और फर्स्ट ईयर की प्रोडक्शन फाइंड करनी थी तो मैंने अरिथमेटिक सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म फाइंड की, जो कि हमारे पास फर्स्ट ईयर की प्रोडक्शन है। सिमिलरली जब टोटल प्रोडक्शन फाइंड करनी थी एट ईयर्स की, तो सम ऑफ सीरीज का फॉर्मूला यूज़ किया और वो यूज़ करते हुए एट ईयर्स की प्रोडक्शन फाइंड कर ली। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। स्टूडेंट सेव्स रुपीज 12 एट द एंड ऑफ फर्स्ट वीक एंड गोज ऑन इंक्रीजिंग हिज सेविंग्स रुपीज 4 वीकली। आफ्टर हाउ मैनी वीक्स विल ही बी एबल टू सेव रुपीज 2100। स्टूडेंट है जो कि हर हफ्ते के आखिर में 12 रुपए बचाता है। अगर वो हर हफ्ते उसमें 4 रुपए का इजाफा करता जाए तो कितने हफ्तों के बाद उसके पास 2100 रुपए होंगे। तो सबसे पहले हम इससे एक अरिथमेटिक सीक्वेंस बना लेते हैं जिसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म जो होगी वो 12 आएगी, क्योंकि फर्स्ट वीक उसके पास 12 रुपीज़ थे, उसके बाद हर वीक 4 रुपीज़ इंक्रीज होते गए, तो सेकंड वीक उसके पास हो जाएंगे 16, देन थर्ड वीक 20 एंड अप टू सो ऑन इंक्रीज करते जाएंगे। और हमने ये बताना है कि कितने वीक्स के बाद उसके पास 2100 रुपीज़ होंगे, यानी कि जब अगर अरिथमेटिक सीक्वेंस की सेंस में देखें तो जब सम और एस एन जो है वो 2100 हो जाता है तो उस वक्त आप एन की वैल्यू बताएं। तो हम एस एन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इस फॉर्मूला से हम एन की वैल्यू निकालेंगे जो कि नंबर ऑफ वीक्स होंगे जिसके बाद उसके पास इतने अमाउंट जो है वो हो जाएगी। सो एस एन जो है वो हमारे पास दिया गया है जो कि है 2100 इज इक्वल टू एन हमने फाइंड करना है एन बाई टू इंटू 2 इंटू ए वन हमारे पास फर्स्ट टर्म है, 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कॉमन डिफरेंस विच इज 4। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा, इस 2 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 4200 इज इक्वल टू एन इंटू 24 प्लस 4n माइनस 4 विच इज इक्वल टू एन इंटू 4n प्लस 20। इस n को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 20n इज इक्वल टू 4200, और फोर एन स्क्वेयर प्लस 20n माइनस 4200 इज इक्वल टू 0। हम यहाँ से 4 जो है वो कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा एन स्क्वेयर प्लस 5n माइनस 1050 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसको हम सॉल्व करते हैं बाय फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो इसके फैक्टर्स हमारे पास बनेंगे n प्लस 35 एंड n माइनस 30 इज इक्वल टू 0। n की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, n इज इक्वल टू माइनस 35 एंड n इज इक्वल टू 30। अब n की जो नेगेटिव वैल्यू है वो तो हो नहीं सकती क्योंकि नंबर ऑफ वीक्स जो हैं वो नेगेटिव नहीं हो सकते, सो जो पॉजिटिव वैल्यू है वो हमारे पास होगी, तो 30 वीक्स के बाद उसके पास इतनी अमाउंट हो जाएगी। एग्जांपल थी जिसमें हमें बताया गया कि एक स्टूडेंट जो है वो हर
वीकेंड पे, पहले वीकेंड पे उसने 12 रुपीज़ सेव किए, उसके बाद हर वीक उसमें 4 रुपीज़ इंक्रीज़ होते जाते हैं, और हमने बताना है कितने वीक्स के बाद उसके पास 2100 रुपीज़ होंगे। सबसे पहले हमने एक सीक्वेंस बना लिया, जब भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा वर्ड प्रॉब्लम जो होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, तो उससे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना लेंगे या उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेट कर लेंगे। तो हमने एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना लिया, और जो चीज़ हमने फाइंड करना थी उसको भी हम अरिथमेटिक सीक्वेंस की सेंस में लेके आए, जो कि हमारे पास था एन हमने फाइंड करना था जब हमारे पास एस एन जो है वो 2100 है। तो हमने सम ऑफ सीरीज का फॉर्मूला यूज़ करते हुए एन की वैल्यू फाइंड की, जो कि हमारे पास नंबर ऑफ वीक्स हैं जिनके बाद उसके पास 2100 रुपीज़ हो जाएंगे। इस तरह के और भी बहुत सारे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, हम अगली एक्सरसाइज में इसी तरह के कुछ प्रॉब्लम्स को स्टडी करेंगे।